ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सौम्या गुर्जर को नहीं मिली राहत। 28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। राज्य सरकार को एक महीने के अंदर न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुकुल रोहतगी ने हाई कोर्ट के आदेश पर मांगा था स्टे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, और राहत नहीं मिली है सौम्या गुर्जर को, तो उनके लिए थोड़ी सी निराशा है। सुप्रीम कोर्ट से सौम्या गुर्जर को राहत नहीं मिली। 28 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है, मतलब लगभग एक महीना है जिसके बाद ये पूरी सुनवाई होगी। और राज्य सरकार को एक महीने के अंदर न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। और हमारे साथ कुमार गौरव हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। क्या कुछ रहा इसमें, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया, क्या दलील दी गई? देखिए मेगा, मैं बताना चाहूंगा कि आज राज्य सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया, जिसके तहत मनीष सिंह भी राजस्थान सरकार की तरफ से पेश हुए थे और उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से ये बात कही थी कि जो सस्पेंशन है सौम्या गुर्जर का वो टेक्निकली सही है, राज्य सरकार के अकॉर्डिंग नियम अनुसार है और राज्य को स्वायत्त शासन विभाग के जो नियम है उनके अकॉर्डिंग सीओडी के उन्होंने सीओडी का हवाला देते हुए कहा कि ये जो निर्णय लिया गया है वह नियम अनुसार है और इस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिसके जवाब में सौम्या गुर्जर की तरफ से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पुरजोर विरोध करा। उन्होंने कहा कि जो सस्पेंशन किया गया और जो जुडिशियल इंक्वायरी की गई वह गलत है, तथ्यात्मक नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूं। उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव यह प्रयास किया कि राज्य सरकार के जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो निर्णय है उस पर सौम्या गुर्जर को स्टे मिल सके, उस पर सौम्या गुर्जर को राहत मिल सके, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकुल रोहतगी की दलील है उनको अस्वीकार करते हुए राजस्थान सरकार के सस्पेंशन को सही माना, नियमबद्ध माना और इसी मामले में 28 सितंबर की तारीख तय करते हुए एक महीने के अंदर जो प्रगति रिपोर्ट है, न्यायिक जांच है, वो पेश करने के लिए कहा है। जी मेगा जी, और गौरव, ये जो पूरी न्यायिक जांच रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ रहेगा, आप क्या कुछ देना है? देखिए, कोई भी जब सरकार मतलब सस्पेंशन करती है या कोई भी जगह कोई इशू आते हैं तो सरकार एक जुडिशियल इंक्वायरी गठित करती है जिसमें वो जो संबंधित सचिव होते हैं, न्यायिक अधिकारी पूर्व होते हैं, उनको लेकर वह अपनी बात को सही तर्क रूप से पेश करने की बात रखती है। वह उन तथ्यों के हवाला देते हुए यह पेश करने की कोशिश करती है कि हमने जो सस्पेंशन किया था वह सही था, सौम्या गुर्जर का जो चलिए।